नियमों के उल्लंघन के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने धनबाद जिले के 54 स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड के एफिलिएशन यूनिट ने स्कूलों के प्राचार्य प्रबंधकों को मामले में ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि नियमों के मुताबिक जिले के कई प्राइवेट स्कूल सीबीएसई की अर्हता फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कई स्कूल के पास अपनी जमीन तक नहीं है तो कई स्कूल के टीचर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं, जिसके कारण इन स्कूलों के ऊपर अब तलवार लटकी है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त धनबाद जिले के सभी प्रकार के निजी विद्यालयों की धड़कन बोर्ड के पत्र मिलने के बाद तेज हो गई है। स्कूलों को दिए गए पत्र के माध्यम से बोर्ड के सहायक सचिव प्राथमिकता देते हुए आरटीई एक्ट 2009 के तहत राज्य के शिक्षा विभाग से 30 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र लेकर बोर्ड को मेल या पत्र के माध्यम से सूचित करने को कहा है। स्कूल जो दस्तावेज बोर्ड को भेजेंगे उन दस्तावेजों पर स्कूल के प्रबंधक और प्राचार्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इस संबंध में कई स्कूल के प्राचार्य जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचे थे। डीएससी इंद्रभूषण सिंह से मुलाकात कर प्रमाण पत्र देने की बात कही है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि प्रमाण पत्र लेने में शिक्षकों की योग्यता और सभी नियमों का पालन करना होगा, बगैर उन नियमों का पालन किए प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सकते हैं। विद्यालय के मामला को रखा गया और सभी विद्यालय के नाम के सामने कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, यानी कहां पर जो है गैप है, ये सारा जो है टेबुलर फॉर्म में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में रखी गई थी। तो अमूमतः बैठक के तिथि को अमूमतः एक भी विद्यालय जिसको सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है वो 1 to 8 के मान्यता का जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे। अच्छा। में जो है आपको जिला प्रारंभिक समिति जो है पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए संबंधित विद्यालय का जो मान्यता का मामला जो है आपको विचार। इस मामले की शिकायत झारखंड अभिभावक महासंघ ने पीएमओ से की थी। इसके बाद पीएमओ ने सीबीएसई को कार्यवाही के लिए लिखा था। अभिभावक महासंघ ने संबद्धता नियमावली का अनुपालन सीबीएसई नई दिल्ली को शिकायत भी की थी। जिले में जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है उनके नियमावली के शर्तों के अनुसार आरटी के तहत रिक्वेशन सर्टिफिकेट एक आवश्यक शर्त है। इसके बिना इनको गलत तरीके से मान्यता मिला था, इसकी शिकायत हमने पीएमओ को किया था। पीएमओ ने सीबीएसई को दिया, सीबीएसई ने सभी स्कूल को पत्र जारी किया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमने उसका रिमाइंडर किया तो अभी सभी स्कूलों को एक पत्र आया है कि 30 दिनों के अंदर, पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मैनेजर और प्रिंसिपल के हस्ताक्षर के साथ सीबीएसई को समर्पित करना है, अन्यथा उस पर अगले तक कार्रवाई करेंगे। कंप्लेन आया उसको लेकर जिले में 54 स्कूल जो हैं वो उनकी मान्यता पर तलवार लटक रही है और जब तक अफिलिएशन नहीं आ जाता है तब तक उन स्कूलों को जितने कागजात हैं अप्लीकेशन को लेकर मान्यता को लेकर वो जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जमा करें और अप्लीकेशन आने के बाद ही जब तक अप्लीकेशन नहीं आता है इन स्कूलों पर अभिभावक महासंघ लगातार विरोध दर्ज कराता रहे। बोर्ड के पत्र से भले ही कई प्राइवेट स्कूलों की परेशानी बढ़ गई है मगर बकौल डीएससी जो विद्यालय अर्हता पूरी करेंगे उन्हें प्रमाण पत्र मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। सहयोगी कुंदन धनबाद से जुड़े हुए हमारे साथ इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे। कुंदन का रुख करते हैं। कुंदन, ये तो इन स्कूलों के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है, हालांकि पेरेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य का भी क्या होगा? कई ऐसे सवाल हैं जो शोकॉज आया है वो सही है, लेकिन इस बीच बच्चों के भविष्य को भी देखा जाए तो उनके लिए भी क्या स्कूल जब तक अर्हताओं को पूरी नहीं करते हैं वो खोल नहीं पाएंगे, क्या कुछ अब इसे लेकर होगा? किस तरह स्कूल जो तमाम अर्हताएं हैं उसे पूरी करने के लिए आगे कोशिश करेंगे? आशा, मैं बता दूं कि जिला प्रशासन ने स्कूल को 8 जनवरी तक जो है अपने पक्ष रखने को कहा है। जिले में 54 ऐसे स्कूल हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग, किसी की अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग है तो जमीन नहीं है, जमीन और बिल्डिंग है तो जितने भी टीचर है वो टेट पास नहीं है, टेट आउट पास आउट नहीं है। तो लगातार जो है अभिभावकों के साथ ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था स्कूल
और जितने भी कन्वेंट स्कूल है ये लगातार इसी तरह शोषण करते रहते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है आशिया, क्योंकि जब तक ये मामला तब खुला जब अभिभावक संघ ने लगातार आंदोलन करते रहे ऐसे 54 स्कूलों के खिलाफ। पीएमओ को जब लेटर दिया गया तो पीएमओ ने सीबीएसई को दिया और सीबीएसई जो है जांच टीम भेजी, उसके बाद जो है ये 54 स्कूलों पे सवाल खड़ा हो गया और 54 स्कूल का जब जांच की गई तो कई उसमें जो है ऐसे कई चीज निकले जो जिला प्रशासन भी भौचक रह गए देखकर कि कईयों के तो जमीन तक नहीं है, अपना बीसीसीएल के जमीन पे स्कूल चला रहे हैं और स्कूल चला रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि फी भी जो बीसीसीएल जो है सारे बिल्डिंग्स फंड जो है बीसीसीएल की है लेकिन अभिभावक से फंड भी जो बिल्डिंग फंड के नाम से बिल्डिंग फंड ले रहे हैं, टीचर्स जो है वो टेट आउट पास आउट नहीं है तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ी सवाल है आशिया। वाकई सवालों के बीच आपके साथ कुछ अभिभावक भी नजर आ रहे हैं कुंदन, उनसे उनका पक्ष लेने की कोशिश कीजिए। जी जी आशिया, मेरे साथ मनोज मिश्रा जी है जिन्होंने पीएमओ को लेटर लिखा था, ये अभिभावक संघ के सचिव है यहाँ के धनबाद के और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, मैं उनसे ही बात करता हूँ। मनोज जी, ये कैसे कैसे ये पूरा मामला जो है खुला? देखिए, हमारे राज्य में तो 1/4/2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है और इसके तहत 3 सालों में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर एनओसी प्राप्त करना था और जो भी स्कूल आवेदन देता है तो उसको 15 दिनों के अंदर सारा चीज लेने के बाद उसका जांच करना था, स्थलीय जांच करना था, लेकिन ये सब चीजें हुई नहीं। धीरे धीरे 10 साल बीत गया और लगातार स्कूल के द्वारा मनमानी पर उतारू हो गए थे। इसके बाद मैंने डीएससी को शिकायत किया, डीएससी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद मैंने विभाग को शिकायत किया, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। सीबीएसई को शिकायत किया, उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद अभिभावक महासंघ की ओर से पीएमओ को शिकायत किया गया, पीओ ने जुलाई अगस्त महीने में इस पर कॉग्निजेंस लिया और डीएससी महोदय को पत्र जारी करके पूरे मामले की जांच करके उनसे रिपोर्ट की मांग की, लेकिन डीएससी के महोदय के द्वारा भी यह मामला को दबा दिया गया। उसके बाद मैंने दोबारा उनके पास शिकायत किया, उसके बाद दोबारा डीएससी साहब को आया, डीएससी साहब दोबारा आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद फिर मैंने शिकायत की तो उसके बाद सीधे सीधे सभी स्कूलों को पत्र निर्गत किया गया है और उनको कहा गया है कि पत्र निर्गत होने से 30 दिनों के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो मान्यता प्राप्त किया है आपने या जो दस्तावेज है वो हमको आप भेजिए मैनेजर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर के साथ, तो वही दस्तावेज इनको भेजना है। लेकिन धनबाद जिले में एक भी स्कूल ऐसे नहीं है जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो और उनके पास राइट टू एजुकेशन एक्ट का प्रमाण पत्र हो। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो अभी नए बायलॉज के तहत रेकमेंड कर रहा है जिनको सारे दस्तावेज की जांच करने के लिए, उन्होंने बिना राइट टू एजुकेशन एक्ट जो एक परिहार्य दस्तावेज है उसके बिना उन्होंने सीबीएसई को रेकमेंड कर दिया और सीबीएसई ने भी उनको मान्यता दे दिया। अब ये प्रश्न उठता है इसमें गलतियां किसकी है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जांच होना चाहिए और दोषी पदाधिकारी चाहे वो डीएससी हो, डीसी हो या विभाग में बैठे हो पदाधिकारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसमें हमारे बच्चे का जो भविष्य है वो बीच में लटक गया है। और हुआ यही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है बच्चों के नाम पर सरकार को ब्लैकमेल करता है, सरकार बच्चों के नाम पर हमारे बच्चों अभिभावकों को ब्लैकमेल करता है, तो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा बंद होना चाहिए। मनोज, ये बताइए कि अभी जो 10th का एग्जामिनेशन होने वाला है तो फिर उनके साथ ये प्रॉब्लम? देखिए, इस ऐसे तो प्रावधान है कि किसी स्कूल को बंद करना है, किसी की सम्मान वापस लेनी है तो उसका एक प्रायर नोटिस दिया जाता है। अभी तो प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है और खास करके जिनका 9 में रजिस्ट्रेशन हो गया है या जो बच्चे 10 का एग्जाम देने वाले हों हैं, नियमानुसार एप्लीकेशन वापस लेते ही उनकी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, वो तो एग्जाम देंगे ही देंगे। लेकिन आगे जो इनको एप्लीकेशन के तहत जो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है एप्लीकेशन के तहत, उनके बच्चे को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं मिलेगी, रजिस्ट्रेशन करने की नया रजिस्ट्रेशन होने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना स्कूल तो बंद होगा नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी व्यवस्था के ऊपर, हमारे सरकार के ऊपर, हमारे विभाग के ऊपर उठ रहा है कि बिना रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट का 10 साल से स्कूल आके चल कैसे रहा था और कैसे मान्यता मिली है। जी आशिया, मैं आपको बता दूं कि जब हमने डीएससी से बात की तो उन्होंने कहा था कि ये जो जितने भी एफिलिएशन की जो सवाल उठ रही है वो क्लास 1 से लेकर 8 तक का है और 9th जो अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है उन पे ऐसा कुछ जो है उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन क्लास 1 से लेकर 8 अब जो आने वाले सेशन है वो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन देंगे उनके साथ बहुत बड़ा जो है ये सवाल उठ सकता है कि आखिर इन्होंने कैसे उनका फॉर्म भरवाएंगे। जी आशिया, वाकई कहीं ना कहीं छात्र इसमें पिसेंगे, ये जो
बीच की लड़ाई है स्कूलों और प्रबंधन के बीच में, इसमें छात्रों का जरूर कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसके लिए कुछ और अभिभावक हैं कुंदन, उनसे भी जाने की कोशिश कीजिए। छात्रों के भविष्य को लेकर भी क्या वो चिंतित हैं या फिर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार ही सही, थोड़ी दिक्कत हो लेकिन स्कूल भी कम से कम सबक लें। जी जी आशा, एक बात बताइए, स्कूल मैनेजमेंट के गलती से आपके बच्चे का भी भविष्य जो है धर में लटक गया है। देखिए, जहाँ तक बात है मान्यता की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है और अभिभावकों और बच्चों के साथ धोखा है। जहाँ हम बात करते हैं विद्यालय की, ये सेवा का कार्य ना होकर ये मेवा का कार्य हो गया है। और हमारे प्रदेश महासचिव मनोज मिश्रा जी ने जो पीओ को शिकायत किया, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और इस पे जो जांच चल रही है, लेकिन क्या कारण है यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक इस जांच को दबाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्हें आगाह करना चाहता हूँ और जो भी उच्च अधिकारी हैं, मैं उन्हें भी आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है मान्यता के नाम पर, लाखों करोड़ों का खेल हो रहा है, इसको तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो अभिभावक महासंघ सड़क पर उतर कर आंदोलन को बाध्य होगा। जी आशिया, चलिए, तो आरपार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं कुंदन, अब अभिभावक मंच भी, क्योंकि स्कूल कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा करते हैं और इस नोटिस के बाद अब कम से कम तमाम स्कूल जो हड़ताल होती हैं उसे पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो 54 ऐसे स्कूल हैं जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है धनबाद में, जैसे स्कूल प्रबंधन के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। 8 तारीख का वक्त उन्हें दिया गया है, 8 जनवरी तक वो तमाम अपने स्पष्टीकरण के साथ मिल सकते हैं।